नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 सितंबर रविवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में अध्यापक भर्ती के लिए अपनी तरह की अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा आज रविवार को होगी, जिसमें 16 लाख से अधिक परीक्षार्थी एक दिन में इम्तिहान देंगे। राज्य सरकार ने परीक्षा के सफल आयोजन के लिए पूरी पुलिस व प्रशासनिक ताकत लगा दी है। वहीं विभिन्न धार्मिक व गैर सरकारी संगठन भी इस मदद के लिए आगे आए हैं। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षार्थियों की सुरक्षा व सुविधा के साथ परीक्षा के सफल आयोजन के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने संवाददाताओं से कि इस परीक्षा के आयोजन से जुड़े सारे मामले पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद निगाह कर रहे हैं और किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार राजस्थान में तृतीय श्रेणी के लगभग 31,000 अध्यापकों के लिए यह रीट परीक्षा 26 सितंबर को करवाई जा रही है और इसके लिए राज्य भर में 3,993 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि दो स्तरों के अध्यापकों के लिए यह परीक्षा दो अलग अलग पारियों में आयोजित होगी और कुल मिलाकर एक ही दिन में 25 लाख से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रदेश में लगभग 3 साल बाद हो रही है। इससे पहले अंतिम बार यह परीक्षा 2018 में हुई थी और परीक्षार्थियों की संख्या के लिहाज से यह अपनी तरह की सबसे बड़ी परीक्षा है। रीट में नकल रोकने के लिए राजस्थान के कई जिलों में मोबाइल इंटरनेट बंद रखने की घोषणा की गई है। उदयपुर जिले के लसाड़िया और कोटड़ा तहसील को छोड़कर सब जगह आज रविवार सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। जयपुर संभाग के सीकर, झुंझुनू, दौसा और अलवर जिलों में भी एहतियातन इंटरनेट बंद रखा जाएगा। जयपुर संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव ने आदेश जारी कर कहा है कि जयपुर महानगर क्षेत्र को छोड़कर जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में सुबह 7:30 से शाम 5:30 बजे तक संपूर्ण अलवर, दौसा और झुंझुनू जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक यह सेवा बंद रखी जाएगी। इसी तरह सीकर जिले में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद रखने का निर्णय लिया गया है। शनिवार दोपहर में उदयपुर संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट ने इसके आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा बीकानेर संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने बताया कि संभाग के सभी जिलों बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक मोबाइल इंटरनेट बंद रहेगा। पंजाब के बाद अब राजस्थान में कांग्रेस हाईकमान सरकार और संगठन में बदलाव की तैयारी कर रहा है। बदलावों से पहले कांग्रेस में दिल्ली से लेकर जयपुर तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में इन बदलावों का खाका तैयार करने को लेकर बैठकों का दौर जारी है। सचिन पायलट आज रविवार से दिल्ली दौरे पर हैं। शुक्रवार को पायलट ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की है। इन मुलाकातों को राजस्थान में बदलाव से पहले की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। 1 अक्टूबर को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के प्रस्तावित जयपुर दौरे में मंत्री विधायकों की बैठक लेने के कार्यक्रम ने भी सियासी हलकों में चर्चाएं छेड़ दी हैं। संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन की राजस्थान को लेकर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप ने अब राजस्थान में बदलावों के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जयपुर पुलिस ने रीट में डमी कैंडिडेट बनकर बैठने वाले स्कूल लेक्चरर को गिरफ्तार किया है। वह मूल अभ्यर्थी से मिलती जुलती फोटो को एडिट करके एडमिट कार्ड पर लगाकर पहुंचा था। परीक्षा देने का सौदा 15 लाख रुपए में हुआ था। वह 1 लाख रुपए एडवांस ले चुका था। पुलिस को प्रवेश पत्र, आधार कार्ड और फर्जी प्रवेश कार्ड भी बरामद हुआ है। DCP प्रहलाद कृष्णिया ने बताया कि मनोहर लाल बिश्नोई निवासी सांचौर जालौर को गिरफ्तार किया है। वह ग्रेड फर्स्ट का स्कूल लेक्चरर है। SOG जयपुर से बजाज नगर इंस्पेक्टर रमेश सैनी को सूचना मिली कि एक युवक को रीट में डमी कैंडिडेट बनाकर परीक्षा दिलाई जाएगी। बजाज नगर में गोपाल पुलिया के पास युवक के मिलने की सूचना मिली, तब पुलिस ने मनोहर लाल को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा जोधपुर पुलिस कमिश्नर जॉस मोहन के निर्देशन में महामंदिर थाना पुलिस ने 4 सरकारी शिक्षकों को गिरफ्तार किया है। यह किसी और के स्थान पर परीक्षा देने वाले थे। आरोपियों से 4.5 लाख की नकदी भी मिली है। चूरू जिले के गांव नाकरासर में हाई वोल्टेज लाइन के पोल से दो भाइयों को करंट लग गया। घटना के बाद ग्रामीणों ने दोनों को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां एक बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार नकरासर निवासी रामप्रताप सहारण के 3 बेटे युवराज, किशन और दीनदयाल घर के बाहर खेल रहे थे। तीनों खेलते खेलते घर के पास लगे 11,000 हाई वोल्टेज लाइन के पोल के पास चले गए। इस दौरान अर्थ के लिए लगाए तार के हाथ लगने से युवराज व किशन को करंट लगा। दोनों मौके पर गिर गए। चिकित्सकों ने किशन सहारण को मृत घोषित कर दिया। वहीं युवराज की हालत गंभीर होने पर उसका प्राथमिक उपचार कर बीकानेर रेफर कर दिया गया। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा की गिरफ्तारी मामले में एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि बिल्डर को धमकी दी जाने की वजह से जांच जारी है। व्यापारी को जानने वाले किसी स्थानीय अपराधी ने लॉरेंस को इसकी जानकारी दी थी। जयपुर में पहली बार इस तरह के अपराधी ने धमकी दी है। चूरू जिले के सुजानगढ़ के व्यापारी के पास भी कॉल आया था। इस मामले में भी दोनों की गिरफ्तारी होगी। श्री लांबा ने बताया कि जयपुर या राजस्थान में लॉरेंस गैंग का कोई शूटर नहीं है।
डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा थाना पुलिस ने रीट परीक्षा से धोखाधड़ी के मामले का पर्दाफाश करते हुए पीटीआई व उसके भतीजे को गिरफ्तार किया है। परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र दिलाने का लेन देन हुआ था। 2 माह पहले मीनाक्षी व युवक से 1.5 लाख रुपये आरोपियों ने एडवांस लिए थे। यह सौदा 12 लाख रुपये में हुआ था। नादिया निवासी एक महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र में 19 वर्षीय युवती द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिए जाने की जानकारी सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान सुनीता बाई निवासी तालाब गांव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। नागौर जिले के डिडवाना के कुचामन थाना पुलिस ने रीट परीक्षा पास कराने का झांसा देकर ठगी करते बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों से तलाशी के दौरान कई परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र मिले हैं। आरोपियों के मोबाइल में रीट परीक्षा पास कराने की व्हाट्सएप चैटिंग भी मिली है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान में अगले 4 दिन उमस और गर्मी से परेशान होना पड़ सकता है। प्रदेश में फिलहाल किसी तरह का मानसून सिस्टम एक्टिव नहीं है। इसके कारण अगले 4 दिन बारिश की गतिविधियां धीमी रहेंगी। कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश को छोड़कर शेष जगह आसमान साफ रहेगा। वातावरण में नमी होने के कारण उमस और गर्मी जरूर बढ़ जाएगी। जयपुर मौसम विभाग में वैज्ञानिक हिमांशु शर्मा के मुताबिक पूर्वी राजस्थान में आज रविवार को जरूर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सोमवार से बारिश की गतिविधियां लगभग थम जाएंगी। पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 4 से 5 दिन तक बारिश के कोई आसार नहीं है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में नमी वाली हवाएं आ रही हैं। परिसंचरण तंत्र नहीं बनने से बारिश नहीं होगी। इस कारण तापमान में भी 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। जयपुर में दलित नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश संदीप कुमार शर्मा ने आरोपी राज सोनी निवासी बगरू जयपुर को आजीवन कारावास एवं 3 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी जोगनेर थाना क्षेत्र से 17 साल की पीड़िता को नेपाल ले गया था। आरोपी ने पीड़िता से दिल्ली व नेपाल में शारीरिक संबंध बनाए थे। संबंध बनाने से पीड़िता गर्भवती हो गई थी। मामले में SPP विजय पारिक ने राज्य सरकार की ओर से पैरवी की। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।